तेज प्रताप यादव का सबसे बड़ा परिचय है कि लालू के बड़े बेटे हैं। दूसरा बड़ा परिचय यह कि तेज प्रताप नीतीश कुमार की सरकार में स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे, लेकिन तेज प्रताप की अपनी शख्सियत भी है। नेता पुत्र तेज प्रताप कभी भोले बन जाते हैं, कभी कन्हैया का रूप धारण कर लेते हैं। आप समझते रहिए लालू के बेटे तेज प्रताप यादव ऐसे क्यों हैं। राजनीति में अभी लालू के लेवल पर तो नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन जब भी कुछ करते हैं खबर बन जाती है। आजकल पत्नी ऐश्वर्या राय से अनबन की खबर चल रही है। आखिर क्यों 6 महीने पहले हुई शादी तलाक की चौखट तक जा पहुंची? कहीं इसके पीछे तेज प्रताप की वो शख्सियत तो नहीं जिसके कारण उनकी विवाहित जिंदगी विवादित बन गई? समझिए जरा 25 कहानियों से तेज प्रताप को, और हो सके तो अनुमान भी लगाइए कि उनकी शादी क्यों टूटने की कगार पर है। लालू के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव की शादी खतरे में है। तेज प्रताप की शादी इसी साल 12 मई को ऐश्वर्या राय से हुई थी, लेकिन 6 महीने में नौबत तलाक पर आ पहुंची है। तेज प्रताप ने खुद ऐश्वर्या से तलाक की अर्जी लगाई है। कह रहे हैं कि घुट घुट कर जीने से तो कोई फायदा नहीं है। ये तो कोर्ट में जाने के बाद ही डेट आया है जी। घुट घुट के जीने से तो कोई फायदा है। वेब पोर्टल न्यूज 4 नेशन से तेज प्रताप ने अपना दर्द बयां किया है। जो घटना है, जब वो घर में थे तो उनके आंख के सामने किस तरीके से लड़ाई झगड़ा वो करती थी, उसका क्या व्यवहार रहता था, ये तो मदर और फादर से तो छुपा नहीं है। यहाँ तक कि हमारे तेजस्वी जो भाई वो भी सामने रहते थे। तेज प्रताप की तलाक की अर्जी पर पत्नी ऐश्वर्या का पक्ष नहीं मिला है। तलाक की खबर तब उड़ी जब ऐश्वर्या राय अपने मायके में थी। तेज प्रताप की अर्जी पर 29 नवंबर को सुनवाई होगी, तब ही तय होगा कि अर्जी मंजूर होगी या नहीं। हालांकि परिवार शादी बचाने में जुट गया है। तेज प्रताप लालू से मिलने रांची के रिम्स पहुंचे। राबड़ी के घर पहुंचे लड़की के घर वाले यानी चंद्रिका राय का परिवार। तेज प्रताप के वकील यशवंत कुमार शर्मा ने कहा कि एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। तेज प्रताप यादव ने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक मांगा है। ये आपसी तालमेल इन लोगों का नहीं बैठा, जिस कारण से ये नौबत आई। पांच महीने पहले ही धूमधाम से तेज प्रताप और ऐश्वर्या की शादी हुई थी। पटना में लालू के घर के बाहर तो अभी तक शादी के पोस्टर भी नहीं हटे हैं। तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय की शादी करीब 5 महीने पहले धूमधाम से हुई थी। अभी तक शादी के पोस्टर भी नहीं हटे हुए हैं, लेकिन इस दौरान तेज प्रताप यादव ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे हर कोई हैरान परेशान है। तेज प्रताप यादव ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय से तलाक लेने के लिए मैरिज कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। 29 तारीख को इस मामले में सुनवाई होगी और कोर्ट ये फैसला करेगी कि क्या इस पिटीशन को एडमिट करना है या नहीं। तेज प्रताप नेता के तौर पर कम, अपने कान्हा या शिव गेटअप के कारण ज्यादा चर्चा में रहते आए हैं। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि तलाक मांगने के लिए तेज प्रताप ने क्या कहा है। तेज प्रताप कहते हैं कि वो कृष्ण हैं, लेकिन उनकी पत्नी ऐश्वर्या राधा नहीं है। तेज प्रताप और ऐश्वर्या की ये फोटो देखकर कौन कहेगा कि 6 महीने में प्यार भरा रिश्ता तलाक तक आ पहुंचा। लेकिन सच यही है, पत्नी ऐश्वर्या से तेज प्रताप का दिल ऐसा टूटा कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पत्नी ऐश्वर्या के सारे फोटो डिलीट कर दिए हैं। क्या बहू रानी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा से शादी टूटने की नौबत आई है? ऐश्वर्या की उम्र 25 साल यानी चुनाव लड़ने लायक नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ने की लालसा है। आरजेडी के 22 स्थापना दिवस पर किसी ने पार्टी के पोस्टर में ऐश्वर्या की फोटो छाप दी थी। ऐश्वर्या वैसे ही राजनीतिक परिवार से हैं, जैसे परिवार से तेज प्रताप भी हैं। तेज प्रताप और ऐश्वर्या की शादी बिहार के दो राजनीतिक परिवारों का मिलन था। परिवार के बेटे की शादी बिहार के मुख्यमंत्री रहे दरोगा प्रसाद राय की पोती ऐश्वर्या से हुई।
ऐश्वर्या के पिता चंद्रिका राय सारण के परसा विधानसभा से आरजेडी के विधायक हैं और लालू के बेहद करीबी माने जाते हैं। तेज प्रताप और ऐश्वर्या राजनीतिक परिवारों से जरूर हैं, लेकिन दोनों के बीच काफी कुछ ऐसा है जो मेल नहीं खाता। ऐश्वर्या ने पटना के प्रतिष्ठित स्कूल नोटरडम स्कूल से पढ़ाई की और दिल्ली से MBA किया। तेज प्रताप ग्रेजुएट भी नहीं है, हालांकि वो बिहार के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। अप्रैल में जब तेज प्रताप यादव की पटना में ऐश्वर्या से सगाई हुई, तब लालू बेटे और बहू को आशीर्वाद देने के लिए मौजूद नहीं थे। पटना के मौर्य होटल में सगाई हुई थी। चारा घोटाले में सजा के कारण लालू जेल में थे। परिवार ने भारी मन से बिना लालू के तेज की सगाई की थी। पापा की गैर मौजूदगी पर तेज प्रताप ने ट्विटर पर लिखा था, मिस यू पापा। हालांकि मई में जब उनकी शादी हुई तो लालू परिवार के साथ शादी में शामिल हुए थे। शादी के लिए लालू को पैरोल मिली थी। मई में जब तेज प्रताप की बारात निकली थी, तब वो बिहार की राजनीति की एक हाई प्रोफाइल शादी थी। लेकिन शादी कई और वजहों से चर्चा में रही। खाने के लिए बारातियों में ऐसी मार मची कि भगदड़ मच गई। खाने के लिए अनियंत्रित भीड़ ने VIP और मीडिया के लिए बने पंडाल को अलग करने वाले घेरे को तहस नहस कर दिया था। खाना खाना न रहा, लूट का सामान बन गया। पूरा पंडाल टूटी क्रॉकरी, खाने, उल्टी पुल्टी टेबल कुर्सियों से पट गया। आरोप RJD समर्थकों पर ही लगे। इतना ही नहीं हुआ, जयमाला के लिए बना मंच भी टूट गया था। राजनीति और घर गृहस्थी में किस्मत आजमाने वाले तेज प्रताप यादव स्वभाव से धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, अक्सर तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। ये तस्वीर इसी साल की है जब सावन में तेज प्रताप भगवान शंकर के भेष में दिखे थे। हाथ में त्रिशूल, डमरू, कमंडल, शरीर पर भभूत और गले में रुद्राक्ष की माला, ये तेज प्रताप के धार्मिक तेज की तस्वीर है। तेज प्रताप कहते हैं कि 2019 और 2020 के चुनाव महाभारत की तरह हैं, और वो बिहार को कुरुक्षेत्र कहते हैं। तेज प्रताप जब चुनाव में महाभारत का जिक्र लाते हैं, तब वो खुद कृष्ण के गेटअप में होते हैं। सिर पर मोरपंख लगाते हैं, बांसुरी बजाते हैं और गायों के बीच खड़े हो जाते हैं। खुद ही फोटो, वीडियो ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। अनेकों बार बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार का ये वारिस कृष्ण, कान्हा और मुरलीधर बनकर राजनीतिक विरोधियों का निशाना बन जाता है। राधे राधे। अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कालिया नाग का जो स्थान था, जो श्री कृष्ण ने कालिया देह पर जाकर के कालिया नाग का उद्धार किया था और वृंदावन वासियों को मुक्त किया था। तो आइए आज फिर से अभी आपको वो दृश्य दिखाते हैं जहाँ श्री कृष्ण ने गोपियों का वस्त्र धारण किया था। ये वो स्थान है, लक्ष्मण जी के साथ हैं हम, लक्ष्मण शर्मा जी के साथ। ये वो स्थान है। तेज प्रताप बांसुरी भी बजाते हैं, अक्सर राजनीतिक रैलियों में भीड़ को अपनी बांसुरी की कला दिखाते हैं। आप भी सुनिए कैसा बजाते हैं तेज प्रताप। लालू परिवार के सपूत तेज प्रताप को बीच में हीरो बनने का शौक भी चढ़ रहा है। तेज प्रताप एक फिल्म पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है रुद्रादि अवतार। तेज प्रताप ने फिल्म का प्रोमो और पोस्टर भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था। तेज प्रताप पुकार रहा है। फिल्म की झलकियां देखकर लगता है कि पूरी फिल्म तेज प्रताप के आसपास ही घूमेगी। फिल्म बन रही है, कब रिलीज होगी इसकी कोई तारीख नहीं आई है।
पटना में तीन देश रत्न मार्ग का बंगला नीतीश सरकार के मंत्री बनने पर मिला था। मंत्री पद तो रहा नहीं तो बंगला खाली करना पड़ा। बंगला खाली करते करते तेज प्रताप बोल गए कि बंगले में भूत है। आरोप है कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने भूत भेजे हैं। बंगला जब तक तेज प्रताप के पास रहा तब तक तेज प्रताप को भूत की आशंका सताती रही। उन्होंने बंगले में वास्तु के हिसाब से बदलाव कराए थे। बंगले का मेन गेट बंद करा दिया था, पिछले दरवाजे को मेन गेट बना दिया था। तेज प्रताप यादव का जन्म ही राजनीतिक माहौल में हुआ। पिता लालू बिहार के सीएम और देश के रेल मंत्री रहे। माँ राबड़ी देवी भी सीएम रहीं। तेज प्रताप जब नीतीश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे तब भाई तेजस्वी बिहार के डेप्यूटी सीएम हुआ करते थे। तेज प्रताप की बहन मीसा भारती भी राज्यसभा सांसद है। खुद तेज प्रताप बिहार के वैशाली जिले की महुआ सीट से विधायक है। 2015 के चुनाव में उनकी जीत का अंतर तेजस्वी से 5000 वोट ज्यादा था। आरजेडी के एक कार्यक्रम में छोटे भाई तेजस्वी को विजय श्री का मुकुट पहनाते ये हैं तेज प्रताप। ऐसा कम होता है जब दोनों भाई साथ दिखते हैं। ऐसा इसलिए माना जाता है कि दोनों भाइयों में पार्टी पर वर्चस्व के लिए जंग चल रही है। यही कारण है कि रह रहकर तेज प्रताप के भाई तेजस्वी से तनातनी की खबरें आती रहती हैं। घर में ऐसे लोग हैं, बड़े पड़े हैं जो सबको भाई भाई के प्रति और बहन भाई के प्रति सब घर छोड़ने में लगे हुए हैं। तमाम लोग ऐसे लोग लगे हुए, वही लोग इस तरीके का कारनामा करने का काम किया मेरे साथ। तेज प्रताप हैं तो बड़े भाई, लेकिन बिहार में जब नीतीश के साथ लालू ने सरकार बनाई तो डेप्यूटी सीएम का ओहदा तेजस्वी को ही दिलवाया। तेज प्रताप उनके नीचे मंत्री बनाए गए थे। पार्टी का चेहरा भी तेजस्वी ही माने जाते हैं। हालांकि दोनों भाई कभी भी मतभेद जाहिर नहीं करते। तेज प्रताप पैदा तो राजनीतिक खानदान में हुए, लेकिन मिजाज से नेता हैं या नहीं कहना मुश्किल है। इस साल जुलाई में एक किस्सा हुआ जब तेज प्रताप ने राजनीति छोड़ने की धमकी दी थी। उस विवाद में पत्नी ऐश्वर्या का जिक्र था। फेसबुक पोस्ट पर पहले लिखा, पार्टी के ही कई लोग मेरे खिलाफ अफवाह फैला रहे हैं, मुझे जोरू का गुलाम बता रहे हैं। हालांकि फेसबुक पोस्ट पर हल्ला मचा तो उन्होंने कुछ देर बाद ही पोस्ट फेसबुक से डिलीट कर दी और बीजेपी पर अकाउंट हैक करने का आरोप लगा दिया। लालू का परिवार घोटाले के आरोपों से घिरा है। लालू की अकूत संपत्ति के सामने तेज प्रताप के पास सच पूछिए तो कुछ नहीं है। 2015 में महुआ से चुनाव लड़ते समय तेज प्रताप ने अपनी संपत्ति करीब 2 करोड़ बताई थी। 2017 में 2 करोड़, 3 करोड़ हो गया था। इसमें कैश, गहने, गाड़ियां और मकान तक शामिल है। तेज प्रताप के पास 15 लाख की स्पोर्ट्स बाइक, 29 लाख की BMW कार भी है। महंगी साइकिल चलाने का भी शौक रखते हैं तेज प्रताप। ऐसी ही एक साइकिल की रेस करते समय कैमरे के सामने पटना की सड़क पर गिर भी चुके हैं तेज प्रताप। देश में राम मंदिर को लेकर काफी हलचल है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को तेज प्रताप की भी एक कसम याद हो जो उन्होंने राम मंदिर के लिए खाई थी। तेज प्रताप ने कहा था कि उनके पिता ने रोका आडवाणी का रामरथ, वो बिहार से ईंट ले जाकर अयोध्या में बनाएंगे राम मंदिर। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अति पिछड़ा और गरीब सब अयोध्या जाएंगे और एक एक ईंट रखेंगे, लेकिन शर्त ये है कि अगली बार बिहार में आरजेडी की सरकार बननी चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब, अति पिछड़ा, दलित सब वहां जाएंगे, एक एक ईंट रखेंगे। राम मंदिर का बनाने का काम करेगा। राम मंदिर जिस दिन बना उस दिन बीजेपी आरएसएस का खात्मा हो जाएगा। हम लोग क्या करना है, गरीब गुरबा को ले लेना है, उसका मुद्दा को ले लेना है। जब उसके पास मुद्दे नहीं रहेगा, जब उसके पास मुद्दे नहीं रहेगा तो चमाली बजाते रहिए, चम्मच लेकर के खाइए। राजनीति और घर गृहस्थी में किस्मत आजमाने वाले तेज प्रताप यादव स्वभाव से धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। अक्सर तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। ये तस्वीर इसी साल की है जब सावन में तेज प्रताप भगवान शंकर के भेष में दिखे थे। हाथ में त्रिशूल, डमरू, कमंडल, शरीर पर भभूत और गले में रुद्राक्ष की माला, ये तेज प्रताप के धार्मिक तेज की तस्वीर है।
ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।